हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज है मेरी बर्थडे, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा। जो भी देखा वो रात का सेलिब्रेशन था और अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। और वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और मैं आ गई हूँ अभी फ़िलहाल के लिए अपनी किचन ड्यूटी पे। और तो वेट करिए आप जरा, मैं अभी आपको बताती हूँ। सो गाइस, मेरा थोड़ा गला आपको ख़राब लग रहा होगा, मतलब आवाज़ अजीब सी लग रही होगी, क्योंकि थोड़ा सा गले में दर्द है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मुझे। अभी मॉर्निंग में लग रहा है, रात में कुछ नहीं था। तो टुडे इज़ माय बर्थडे, तो हम लोग ने, जैसा कि आपने देखा, हम लोग ने रात में थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया, अच्छे से डेकोरेशन किया सबने मिलके। दीक्षा भैया, इन्होंने, चिनिया ने, सबने मिलके डेकोरेशन किया, केक काटा, ऐसे ही भूत बने थे और ऐसे ही सब कुछ कर लिया सेलिब्रेट। तो सीन ये है आज का कि आज हमें जाना है एक फैमिली फंक्शन में। मेरी मौसी सास की बेटे का हल्दी का प्रोग्राम है आज, उनकी मैरिज है तो उनकी आज हल्दी है, तो हम लोग को जाना ही है, जाना है। तो हम लोग ने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत रात में सेलिब्रेट कर लेते हैं और फिर आज देखते हैं आज क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग, अभी तो मैं अपनी बेटी को स्कूल भेज रही हूँ, फिर वो स्कूल जाती है, फिर हम लोग देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। वैसे हम लोग का अभी मॉर्निंग में ही आउटिंग का प्रोग्राम है, तो जैसा भी होगा मैं अपडेट करती रहूँगी कि क्या करना है क्या नहीं और कहाँ, मतलब हम लोग जा रहे हैं। तो मैंने रात में फिर उसके बाद कुछ व्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि मैं सिर्फ पैम्परिंग में लग गई और मैंने अच्छे से फेस पैक वैक लगाया, नेल पॉलिश वगैरह लगाई, ये सब तैयारी की, क्योंकि आज शादी में भी जाना था, हल्दी में, और फिर बर्थडे थी तो उसकी भी पैम्परिंग ज़रूरी थी। तो यहाँ फ़िलहाल ठंड होने लगी है लखनऊ में अच्छे से, सुबह तो खासकर सुबह और शाम में, दिन में थोड़ा सा ठीक रहता है मौसम। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अच्छा लगे तो पूरा देखिएगा, काफ़ी कुछ होने वाला है इस वीडियो में, काफ़ी एक्साइटिंग बर्थडे और प्लस हल्दी फंक्शन दोनों मिला के। तो ये है, मैं आपको मिलती हूँ अभी थोड़ी देर बाद, फिलहाल मैं जल्दी से अपनी बेटी का टिफिन, मैंने नहा लिया है और मैं थोड़ी बहुत रेडी भी हो गई हूँ जैसा आप देख रहे हो। तो बस मैं जा रही हूँ हम लोग ब्रेकफास्ट बुफे पे, अभी फ़िलहाल मॉर्निंग का ये प्रोग्राम है, क्योंकि इवनिंग में जाना है जैसे मैंने बताया आपको हल्दी फंक्शन में। तो बस हम लोग सोचे थोड़ा सा मॉर्निंग पे ब्रेकफास्ट बुफे हो जाए, तो बस मैं थोड़ा सा, मैंने फेस मेकअप कर लिया, अभी लिपस्टिक बाकी है और मैं फटाफट चेंज करूंगी और रेडी होके आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं, जल्दी में करो, और मैं बस ऐसे ही नॉर्मल सा रेडी हुई हूँ और सुबह सुबह टीका भी हो गया है, बस टीका वीका करा के निकल गए हैं। और ये स्वेटर मैंने नैनीताल से, मुक्तेश्वर से लिया था, किलमोरा का है, तो काफ़ी वार्म भी है, तो अभी ठंड में थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं पतिदेव कहाँ लेके जा रहे हैं आज, कौन सा ब्रेकफास्ट कहाँ कराएंगे। तो चलो चलते हैं और फिर मिलते हैं। इन्होंने खा भी लिया, हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट बुफे करने, पता नहीं आवाज़ आ रही है।
हे गाइस, हम लोग वहाँ से निकल गए होटल से, और म्यूज़िक धीमे कर दो, और बहुत ही अच्छा रहा हम लोग का ब्रेकफास्ट बुफे। मैंने वहाँ पे ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि बहुत भीड़ थी और मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है भीड़ में। तो फ़ोटोज़ बहुत क्लिक किए, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा होटल है, मतलब सर्विसेज भी बहुत अच्छी है, और वैरायटी भी बहुत सारी थी बुफे में, और बहुत पेट भर के हम लोग ने खाना खाया कह लीजिए, मतलब बुफे में इतना सब कुछ था कि वो पेट भर ही गया मतलब। तो अब हम लोग शायद जा रहे हैं मॉल किसी, और वहाँ से थोड़ा बहुत कुछ शॉपिंग करेंगे, बर्थडे शॉपिंग तो ये है। और आज वैसे मैं कुछ अपना बर्थडे की आउटफिट ऐसा मैंने कुछ नहीं पहनी है, ये मैंने बताया आपको मुक्तेश्वर से लेके आई थी वही मैंने पहना है। और दिक्कत ये हो गई कि मैंने दो आउटफिट मंगाए थे इंस्टाग्राम पेजेस से, और वो मतलब मैंने ऑलमोस्ट 20 डेज से अबव हो गया है मुझे ऑर्डर किए, वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। मतलब इतना बकवास सर्विस हो गया है कि मतलब मैंने वैसे तो इंस्टाग्राम स्टोर से बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं पहले भी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ जो इतनी लेट डिलीवरी हुई कि मुझे मतलब क्या ही बताऊँ मैं, कि मतलब मेरा बर्थडे स्पॉइल हो गया क्योंकि मैं कुछ नहीं अपना सोच पाई कि मैं मुझे क्या पहनना है ये वो। तो ये सीन है, और हाथ दर्द हो गया मेरा। तो ये है कि अब कैसा लगा आपको, आप भी बताएं, आपसे ही पूछ रहा हूँ। मुझे अच्छा, अच्छा मुझे लगा आप ऑडियंस से पूछ रहे हो। हाँ बहुत अच्छा लगा मेरे लिए तो अच्छा था कि मतलब कई सारी वैरायटी मिल गई उसमें, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी थी, ये अच्छा लगा। तो बस अब हम लोग मॉल जा रहे हैं, वहाँ पे करेंगे थोड़ी बहुत शॉपिंग, और फिर वापस घर, और फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करके जाना है हल्दी फंक्शन में। तो मैं वहाँ भी थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करूँगी, दिखाऊँगी आपको फैमिली मेम्बर्स को क्या कैसे क्या होता है क्या रहता है, और फिर शाम को हम लोग बर्थडे केक काटेंगे घर पे। तो ये है अभी तक का प्लान। तो चलो मॉल चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या मिलता है, कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। मैंने मतलब इनकी तरफ से कुछ गिफ्ट नहीं लिया, तो इनको था कि कुछ ले लो, इसी वजह से मॉल ले जा रहे हैं। वैसे मेरा मन नहीं था, मुझे लग रहा था घर जाके थोड़ा रेस्ट करें। चलो लेकिन चलते हैं, देखते हैं कुछ तो मिल जाए क्या पता। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं फिनिक्स प्लासियो, यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग दिन में आए हैं, हमेशा रात में रहते हैं। लूलू खुलने की वजह से बला चुकी, यही है वो शख्स जिसने मुजाज लूटा है, गौर से देख लो उसको, चूना लगा रही है। अभी तो शायद निकलेंगे, टाइम लगेगा क्या मैम? सवा एक हो रहा है, सो गाइज हम लोग मॉल से निकल गए हैं, और हो गई है शॉपिंग बर्थडे की। शॉपिंग क्या है वो ही क्या है ये भी देखो, तो क्या है अंदर वो मैं आपको घर पहुँच के दिखाऊंगी, या शाम में दिखाऊंगी, या रात में दिखाऊंगी बस। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, और वहाँ पे चिनिया स्कूल से आ गई होगी, तो बस फटाफट से रेडी होंगे, तैयार होंगे, और मौसी के यहाँ निकल जाएंगे जहाँ पे हल्दी फंक्शन है। चलो देखते हैं, एक फर्स्ट हाफ बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, सेकंड हाफ सेलिब्रेट होना है, और
केक जो भी होगा वो रात में काटेंगे वापस आके। तो चलो चलते हैं, बहुत टाइम हो गया, 2 बज रहे हैं करीब, और हम लोग को अप्रॉक्स 4 बजे तक तो मौसी के यहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। तो बड़ा कोशिश करेंगे जल्द से जल्द निकलने घर से। तो सी यू।